सब लोग उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज जो है करंट अफेयर की एक नई वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए लेके हाजिर हुआ हूँ जी। आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे मार्च के महीने के अंदर जो जो मतलब एक वर्ल्ड के अंदर जो चीज चेंजेस आई हैं या चीज़ें हुई हैं उनके हवाले से करंट अफेयर की ये वीडियो है जी। और सारे दोस्तों को रिक्वेस्ट है कि आप दोस्त जो है कि वीडियो को आगे ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि ये होता है कि जब काम कर रहे हैं तो इस तरह फिर हौसला अफजाई होती है कि चलो बेहतर जो है वो आगे दोस्त इसका रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि हमारे जितने भी लेक्चर्स ये होते हैं ये डेमो लेक्चर्स हैं जी। बकायदा लेक्चर्स के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं जी। चलो जी वीडियो देखते हैं, चलते हैं जी। आप ये देखेंगे कि जो पहला क्वेश्चन है ना कि एक ना इंटरनेट अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जी, कि आपको पता है कि उसका एक वर्जन है, एक फॉर्म है जनरेटिव एआई के नाम से ना जी। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि इसको आप डाटा दे देते हैं तो ये उससे आप खुद भी यानी कि उसको दोबारा से इंस्ट्रक्शन बना सकता है, उससे कई चीजें कर सकता है और पास्ट का डाटा जो पहले पड़ा हुआ है उसको भी दोबारा यूज कर सकता है। तो ये एक बड़ी मतलब है कि तब्दीली आ रही है जनरेटिव एआई, ठीक है जी। एक आपने याद रखना है कि ऑक्सर जो है ना कि ऑस्कर जो है ना अवार्ड हुआ है जी, ऑस्कर अवार्ड जो है 2023 में, ये आप याद रखिएगा कि ब्रेंडन फ्रेजन ये एक बंदा है जी, आप याद रखिएगा कैनेडियन अमेरिकन है, इसने बेस्ट एक्टर का अवार्ड लिया जी। और ये मिशेल योहो के नाम से जो है कि लेडी है जी, बेस्ट एक्ट्रेस है जी, इस 2023 में इसको भी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला जी। लेकिन अगर ऑस्कर की आप हिस्ट्री देखें तो पहली दफा 1929 में ये अनाउंस किया गया था जी, और रेडियो पे अनाउंस होता था, और फिर 1953 में पहली दफा ये टीवी पे आया जी। और हर साल आपको होता है कि ये ऑस्कर अवार्ड जो है वो दिया जाता है जी, बेस्ट एक्टर्स है, बेस्ट जो है वो एक्ट्रेस है, फिर वो डायरेक्टर्स और बाकी चीजों पे भी आता है। चाइना का जो भी रिसेंट पीएम है ना वो क्या है जी, ली कियांग, आपने याद रखना है ली कियांग जो है ये अभी रिसेंट जो है करंट पीएम ऑफ चाइना जी। और आपने याद रखे कि डेनमार्क दुनिया का पहला कंट्री बन गया है जिसने कार्बन डाइऑक्साइड को नॉर्थ सी में 1800 मीटर नीचे दबा के यानी इसको वहां पे स्टोर करने वाला, कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने वाला जो मुल्क है दुनिया से इंपोर्ट कर किया है कार्बन, और उसको स्टोर करने के लिए नॉर्थ सी में 1800 मीटर नीचे उसने इसको दफन किया है जनाब, उसको मतलब दबाया है जी। तो ये डेनमार्क आपने याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर करने वाला जो है यानी कि समंदर के अंदर पहला मुल्क है जी। जो एमिरेट्स एयरलाइन है ना जी, आप याद रखिएगा कि यूएई की एयरलाइन है, 1985 में बनी थी। अब इन्होंने ना वो कहते हैं कि फर्स्ट रिबोटिक चेक जो है ना एयरपोर्ट के ऊपर रिबोट अब जो है वो चेकिंग करेंगे जी, तो वो एमिरेट्स ने इंट्रोड्यूस करवाया जी। बांग्लादेश का नया सदर जो है वो मतलब मोहम्मद शहाबुद्दीन छापू के नाम से है जी, रिसेंट जो नया प्रेसिडेंट है जी। और कतर का रिसेंट जो पीएम है उसका नाम है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, ये कतर का भी जो है वो पीएम है जी। अब याद रखिएगा कि पाकिस्तान ने को कॉन्फ्रेंस होल्ड की है यूएन हेडक्वार्टर में ऑन वीमेन राइट्स 2023 में। और इसी तरह आप याद रखिएगा कि ये जो वीमेन राइट्स है इसकी हिस्ट्री आपको पता है कि ये 8 मार्च को मनाया जाता है, 1857 से स्टार्ट होती है, क्योंकि यूएस का जो शहर है ना न्यूयॉर्क, यहाँ पे फैक्ट्री की जो औरतें थी ना उन्होंने अपने हकूक के लिए आवाज उठाई कि उनको वेजेस वगैरह जो उनको राइट्स प्रॉपर नहीं दिए जा रहे थे, तो उन्होंने 1857 में ये आवाज उठाई थी 8 मार्च को। तो फिर ये डे का जो है ना कि मतलब एक सिलसिला अख्तियार कर गया जी। तो ये याद रखिएगा कि 8 मार्च 1857। तो जो 2023 में वीमेन डे जो है उसका थीम क्या है, डिजिटल ऑल यानी इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी, यानी कि इक्वालिटी की बात जो है वो की गई है जी। फिर आपने याद रखना है कि ये डॉक्टर रीना कोइंका ये एम्बेसडर है यूरोपीय यूनियन से पाकिस्तान में, यानी यूरोपीय यूनियन की जो एम्बेसडर है पाकिस्तान में डॉक्टर रीना क्यूनका,
ये इधर मतलब है कि काम कर रही है जी। तो ये था जी आज की जो करंट अफेयर की वीडियो है जी। अगर आपको वीडियो ऑथेंटिक लगे और अच्छी लगे तो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा जी, अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट जो उनकी ओपिनियन होती है, राय के मुताबिक जो है वो वीडियोस भी बनाते हैं। क्योंकि पिछली वीडियो जो है वो रशिया का मैप वगैरह वो कुछ दोस्तों की फरमाइश थी, तो दोबारा वीडियो बनाई। तो इस तरह आप जो है कि अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह हम उस पर वीडियो बनाएंगे जी। थैंक यू।